ओम ज्ञानतिमिरन्दस्याज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो अब आगे ये जो उच्चारण करने वाले हैं महाराज पृथु की जो गुणों का वर्णन कर रहे हैं, अब आगे कहते हैं कि जब महाराज पृथु इस प्रकार से अपने राज्य का भ्रमण करेंगे, और उनका राज्य हमें पता है हिमालय से लेकर के समुद्र के कोनों तक, मतलब पूरा भूमंडल उनका राज्य था। तो उस समय में क्या होता था, एक सम्राट होता था और बहुत सारे छोटे छोटे राजा होते थे। तो अगर कोई राजा वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहा है तो महाराज पृथु उसके ऊपर विजय प्राप्त करके उस छोटे राज्य को भी स्वयं संभालेंगे, क्योंकि प्रजा को खुशी रखने के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई राजा अपने साम्राज्य को केवल किसी भौतिक चीजों के लिए उसमें रुचि रख के, राजनीतिक कारण के द्वारा प्रेरित होकर के अपने राज्य को बढ़ाना चाहता है, जैसे बहुत सारे राजा हुआ करते थे, वो अपने साम्राज्यों को बढ़ाना चाहते थे, लेकिन किस लिए बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि अपनी इंद्रिय तृप्ति, धन दौलत अर्जित करने के लिए, लोगों की भलाई के लिए नहीं, लोगों की खुशी के लिए नहीं। तो इनके बारे में कहा है कि जो तीन प्रकार के जो दुख होते हैं जो प्रजा भोगती है, महाराज पृथु जो हैं इन तीन प्रकार के दुखों से अपनी प्रजा को दूर रखेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर महाराज युधिष्ठिर के समय में भी बताया जाता है, वो इतने महान राजा थे कि उनके राज्य में अकाल मृत्यु नहीं होती थी, उनके राज्य में अत्यधिक भीषण गर्मी नहीं होती थी, उनके राज्य में अत्यधिक सर्दी भी नहीं होती थी। तो तीन प्रकार के जो भौतिक क्लेश होते हैं, दुख होते हैं, उनसे भी राजा जो है अपनी प्रजा का निवारण कर सकता है। अगर वो ऐसा कर सकता है तब उसे अपने राज्य को बढ़ाना चाहिए, अन्यथा केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए दूसरे राज्यों के ऊपर, दूसरे देशों के ऊपर हमला बोलना, उनको जीत लेना, अपना साम्राज्य का विस्तार करना, अपने राज्य को बढ़ाना, जैसे हम लोग देखते हैं आजकल ये डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल राजनीतिक तरीकों से बहुत सारे देश जो हैं दूसरे देशों के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। भारत में ही हम लोग देख सकते हैं, मुगलों ने अपना साम्राज्य बनाया, अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य बनाया, पुर्तगालियों ने अपना साम्राज्य बनाया, लेकिन किस लिए, केवल भारत को लूटने के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति बढ़ाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए नहीं। पृथु महाराज ऐसा नहीं करेंगे।
पृथु महाराज सम्राट हैं, उनके अंतर्गत में जो छोटे छोटे राजा हैं उनके ऊपर वो जीत, उनके आदेश का पालन अगर वो नहीं करेंगे तब उनके ऊपर जीत करके महाराज पृथु जो है वहाँ पर प्रजा को संतुष्ट रखने के लिए, खुश करने के लिए अपना राज्य का विस्तार करेंगे। तो ये भी उनके बारे में ये बताते हैं। आगे वो कहते हैं कि महाराज पृथु जब अपने राज्य का इस प्रकार से भ्रमण करेंगे तो उस समय में जितने भी चोर हैं, उचक्के हैं, वो सब डर के मारे छिप जाएंगे। और उदाहरण दिया गया है ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से जब जंगल का राजा शेर जब जंगल में विचरण करता है तो उस समय में जितने भी छोटे छोटे जानवर हैं सब डर के मारे छिप जाते हैं। तो इस प्रकार से बड़े ही पराक्रमी होंगे महाराज पृथु। अब आगे उनके बारे में वो कहते हैं कि महाराज पृथु न केवल पराक्रमी होंगे, अपनी प्रजा की, अपनी जनता की भलाई के लिए समय आने पर भविष्य में वो क्या करेंगे, पृथ्वी रूपी गाय से दूध निकालेंगे। इसके बारे में हम आगे जब कथा आएगी उसके बारे में सुनेंगे, पृथ्वी ने गाय का रूप क्यों लिया और महाराज पृथु जो है पृथ्वी रूपी गाय से दूध निकाल करके अपनी प्रजा में बांटेंगे। और ये उच्चारण करने वाले बता रहे हैं महाराज पृथु इंद्र की भांति बड़े ताकतवर होंगे। जिस प्रकार से इंद्र जो है अपने उनकी जो उनका जो वज्र है उस वज्र के द्वारा बड़े बड़े शिलाओं को, बड़े बड़े पहाड़ों को भी वो तोड़ गिराते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से महाराज पृथु अपने बाणों के द्वारा पृथ्वी के जो असम जो जगह है, क्योंकि पृथ्वी हर एक जगह समतल नहीं है, कहीं पर गहरी खाई है, कहीं पर ऊंचे पहाड़ हैं, तो अपनी तीरों के द्वारा, अपने बाणों के द्वारा पृथ्वी को समतल कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो ये भी उनके बारे में जो है बताया गया है। आगे वो कहते हैं कि महाराज पृथु समय आने पर अपने राजमहल में, अपने राजमहल में जो उनका बगीचा है वहां पर उनकी भेंट, उनके महल में पधारेंगे एक महान संत जिनका नाम है सनत कुमार। सनत कुमार के द्वारा ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात महाराज पृथु अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और अनंत अनंत भगवान की भक्ति और अनंत आनंद की प्राप्ति करेंगे। तो ये तो हमें पता है कि ये सनत कुमार कौन है। ब्रह्मा जी के चार पुत्र थे जिन्हें चार कुमार कहा जाता है। उनमें से सबसे जो व्यस्क हैं वो सनत कुमार हैं। तो सनत कुमार एक महान संत है जो ज्ञान के, इन्हें कहा जाता है वेदवित, जिन्हें पूरे वेदों का ज्ञान है। तो ये समय आने पर महाराज पृथु के राजमहल में जाएंगे और वहां पर महाराज पृथु को ज्ञान प्रदान करेंगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद में महाराज पृथु जो हैं पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति और संपूर्ण आनंद की प्राप्ति करेंगे।
ये प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए हम तो आनंद की प्राप्ति नहीं कर रहे हैं, भौतिक संसार में हम केवल कष्ट भोग रहे हैं। और अगर हम चाहते हैं कि कष्टों का निवारण हो, कष्टों का निवारण महात्मा संत लोग जो हैं ऐश और कैश के द्वारा नहीं करते हैं। ये कहावत है, वो जैसे कहा जाता है कि जो नकली संतगण होते हैं वो कहते हैं तुम मुझे कैश दो मैं तुम्हें ऐश दूंगा, मतलब तुम मुझे धन दौलत दो और मैं तुम्हें विभूति प्रदान करूंगा आशीर्वाद के रूप में। तो हम लोग जो हैं संतों के पास में जाते हैं और सोचते हैं कि भाई मैं बीमार हूँ और मुझे इस प्रकार की बीमारी है, कृपा करके कुछ विभूति प्रदान करो जिससे मेरी ये बीमारी दूर हो जाए। तो ये संतों का काम नहीं है। ये अगर हमें अपनी शरीर की बीमारी दूर करनी है तो हमें डॉक्टर के पास में जाना चाहिए, चिकित्सक के पास में जाना चाहिए। संत महात्मा जो हैं वो हमारे शरीर की बीमारी दूर करने के लिए नहीं है, वो भव रोग को दूर करने के लिए, आत्मा की जो बीमारी है कि हम इस संसार में भव रोग में फंसे हुए हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, अनेकों प्रकार के कष्ट भोग रहे, तो उनके द्वारा जब आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया जाता है हमारी अज्ञानता चली जाएगी और उससे क्या होगा, हम पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति और पूर्ण आनंद की प्राप्ति कर पाएंगे। ये भगवद गीता में भगवान स्वयं बताते हैं, ब्रह्मा भूता प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति। जब व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है तब उसे प्रसन्न आत्मा, वो पूर्ण रूप से आनंदमय हो जाता है, सनातन आनंद की प्राप्ति करता है। न सोचति न कांक्षति, फिर उसके प्राप्त होने के बाद उसके जीवन में कोई दुख नहीं है, किसी के बारे में भी वो जो है सोच विचार नहीं करता है, न कांक्षति, और ना उसे अब कुछ लालसा रह जाती है, अरे मुझे धन चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मतलब लालसाएं भी नहीं रहेंगी और किसी प्रकार का शोक भी नहीं रहेगा, मतलब लैमेंटेशन भी नहीं और हैंकरिंग भी नहीं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, दोनों तरीकों से हम परेशान रहते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के बाद में महाराज पृथु जो है पूर्ण संपूर्ण आनंद की प्राप्ति करेंगे। ये समझना भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो सनत कुमार हैं ये चार वैष्णव संप्रदाय हैं। तो हम जिन प्रमाणिक गुरु के पास में जाते हैं वो गुरु परंपरा में प्रमाणिक गुरु होने चाहिए, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम किसी की भी शरण में चले जाएं और सोचें कि हमें ज्ञान की, आध्यात्मिक ज्ञान की और आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं होगा। जब हम प्रमाणिक गुरु की शरण में जाएंगे और उनके द्वारा परंपरा का ज्ञान प्राप्त करेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान, तब जाकर के हमारी अज्ञानता जाएगी और हमें संपूर्ण आनंद की प्राप्ति होगी। अब आगे उनके बारे में वो कहते हैं कि महाराज पृथु न केवल जो है, उन्होंने बताया बड़े सुंदर तरीके से कि पृथ्वी को भी जो है एक गाय के रूप में उसके दूध को निकालेंगे और अपनी प्रजा को खुश भी रखेंगे, और बाद में जब समय आएगा तो उनकी जो है भेंट बड़े महान संत सनत कुमार के साथ में होगी। आगे वो कहते हैं कि भविष्य के समय में महाराज पृथु अपनी जनता को खुश रखने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ भी कराएंगे, लेकिन जब वो 100वां
अश्वमेध यज्ञ करेंगे, उस समय में इंद्र जो है, जो अश्व वहां पर उस अश्वमेध यज्ञ के लिए जो रहेगा उसकी चोरी कर लेंगे इंद्र देवता। तो इसका क्या कारण होगा, वो जो है महात्मा विदुर उनसे पूछेंगे। अब आगे मैत्रेय ऋषि से वो ये कथा सुन रहे हैं पृथु महाराज की, तो ये बताते हैं। तो इस प्रकार से जब इनकी सभी प्रकार से स्तुति ये ब्राह्मण और ये जो उच्चारण करने वाले हैं महाराज पृथु की स्तुति कर रहे थे, तो वो ये भी बताते हैं कि महाराज पृथु जो हैं उनकी वीर गाथा, उनकी शौर्य की गाथा, उनके पराक्रम की गाथा पूरे भूमंडल के ऊपर गाई जाएगी। जहां पर भी पृथु महाराज चक्कर लगाएंगे सब जगह पर अपनी पराक्रम की गाथा वो सुन पाएंगे। देखिए यही असली यश होता है। हमें अपने आप को एडवर्टाइज नहीं करना चाहिए कि मैं अपना जो है एडवर्टाइजमेंट करूं और लोग मेरे फॉलोअर बने। जो असली हीरो होता है वो महाराज पृथु की भांति होता है, उसे अपने आप को एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। वो जहां पर भी जाएंगे लोग उनके गुणगान गाएंगे। तो अब जो है महाराज पृथु बड़े संतुष्ट होते हैं, अनेकों प्रकार की भेंट इनको प्रदान करते हैं जो ये उच्चारण करने वाले थे, और ब्राह्मणों को भी संतुष्ट करते हैं। और उसके बाद में अब वो अपने राज्य की सत्ता को संभालते हैं। तो अब नया अध्याय प्रारंभ होता है। महात्मा विदुर ये सब सुनने के पश्चात अब बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेंगे, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।